बाबा आप मेरी चूड़ियाँ लाए? बिल्कुल, तुम्हारी चूड़ियाँ लेके आया हूँ। बाबा आई नहीं, फरमाइश पहले शुरू हो गई तुम्हारी। चलो जाओ अंदर हाथ धो के आओ। पहले ये तुम्हारी चूड़ियाँ। खाला जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत जबान नहीं चलती है तेरी, मैं तेरी जबान काट कर रख दूंगा, समझ आई तेरे को? पर हमारे मेरे सिर से रोती रहती है हर वक्त। मैं कहाँ है? अरे साहब साहब, रात गई बात गई, ये तवायफें दिन में किसी की नहीं होती। मैक भी चली गई है, आपके भी घर जाने का हो गया वक्त। ये तो तुम्हारे बाबा को शिकायत लगा देंगे। तू लगा दे, इनसे डरता कौन है? कितनी बार गए, शाम में बाहर नहीं खेलते, तुम नहीं सुनती ना? मैं कब खेलूं? बाबा बोलते हैं दोपहर में मत खेला करो, तुम बोलती हो शाम में मत खेला करो, तो मैं कब खेलूं आप ही? हम बेटियों का कोई हक नहीं, ना दोपहर में ना रात में, ठीक है? हमें तो खुश रहने का भी हक नहीं है और ना ही मुस्कुराने का। तो आप ही, मैंने तो बाबा को कहा था कि मुझे स्कूल में डाल दें, वो सुनते ही नहीं है मेरी। चलो जाओ हाथ मुंह धो अच्छे से, कपड़े बदलो, फिर मैं तुम्हारे अच्छे से बाल बना देती हूँ। घर में वैसे भी बहुत सारे काम है करने के लिए, ठीक है? जाओ। अरे इमाम दीन, अल्लाह अकबर। हाँ भाई, हाजी मियां क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बैठो। इमाम दीन, तुम तो काम पर चले जाते हो, पीछे क्या होता है क्या नहीं तुमको क्या पता? अब देखो भाई, हमीदा तो अपने घर की हो गई, अब वो बार बार आकर महरू की खबर तो नहीं ले सकती ना। क्यों, क्या हुआ? खैरियत ही है, आज ही की बात है, गली में महरो खेल रही थी और मेरी शाने पे आकर बोल लगी, नील पड़ गया। अब मियां उसकी ये उम्र नहीं है गली मोहल्ले में खेलने की। देखो कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दो भाई। अब उसकी उम्र भी हो गई है और इसी उम्र में तुमने हमीदा को ब्याह दिया था, किन सोचों में पड़ गए? दफ्तर से थके हारे आए हो, नहा धो लो और फिर जो मैंने कहा उस पे गौर और फिक्र करके कोई फैसला करना। ठीक है हाजी। फिर मुलाकात कर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
मेरे बाल बनाते हैं, आ जाओ। ज्यादा बच्ची नहीं बना करूंगी, मेरे बाल कितने खराब हो रहे हैं। लगता है बाबा ये बाल बहुत। बाबा आप मेरी चूड़ियां लाए। बिल्कुल, तुम्हारी चूड़ियां लेके आया हूँ। बाबा आई नहीं, फरमाइश पहले शुरू हो गई तुम्हारी। चलो जाओ अंदर हाथ धो के आओ। पहले ये तुम्हारी चूड़ियां खुश। अमिता जी बाबू, तुम घर जाओ, रात काफी हो गई है। अगर कुड्डू रो पड़ा ना तो तुम्हारी सास। जी बाबा आप सही कह रहे, मैं जा रही हूँ। अच्छा मैंने खाना बनाती है और रोटियां भी बनाती है, छापे में रख दी है, आप दोनों खा लीजिए। हाँ हाँ हम खा लेंगे, तुम फिक्र न करो। चल मेरे बेटा जाओ 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 जाओ, तुम घर जाओ। हमीदा जी बाबा, वो बेटा मैं सोच रहा था कि हम मेरो की शादी करते। बाबा खुदा के लिए उसे जीने दें, उसे कब्र में ना उतारो, बहुत छोटी है वो। नहीं बेटा अब ये बड़ी हो गई है। बाबा क्या बड़ा होना जुर्म है? ये देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो आपने मेरे साथ किया है ना आप उसके साथ मत करें, वो कहानी फिर से मत दोहराएं। क्या हो गया मेरी माँ? सर में दर्द है या वो क्या कहते हैं उसको, वो ब्लड प्रेशर? ओ मैं तो ये सोचती हूँ मैं इतनी सख्त जान क्यों, ना तो मेरा सर फटता दर्द से और ना ही वो होता है क्या तू ब्लड प्रेशर कह रहा था। और माँ उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये तू खुद ही कहती है ना कि शाम के वक्त ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्यों कर रही है ऐसी बातें? ओ भाड़ में गई मैं और मेरी बातें, आज एक बात सुन ले, ना तो मुझसे घर संभलता है और ना वो बच्चा, सीधी सी बात है। नहीं बाज आती है। वो सुनती है किसी की? ना तो उसको बच्चे की फिक्र है, ना घर की, ना तेरी, और मैं ठहरी सास, मेरी तो वैसे ही नहीं उसको फिक्र। मैरू को घर छोड़ने गई थी। आज फैसला वो के रहेगा, या तो तू हमेशा के लिए अपने बाप के घर जाएगी या फिर। मुझे तो वैसे ही उससे बड़ी नफरत है, जब पैदा हुई थी ना तो अपनी माँ को खा गई, अब तेरे बच्चे की माँ के पीछे पड़ी हुई है। खाला जान ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ए, बहुत जबान नहीं चलती है तेरी, मैं तेरी जबान काट कर रख दूंगा, समझ आई तेरे को? पर आप मारे मेरे से रोती रहती है हर वक्त। अब देखो भाई हमीदा तो अपने घर की हो गई, अब वो बार बार आकर मेहरू की खबर तो नहीं ले सकती ना। मेरो बेटा मैंने नाश्ता तैयार करके रख दिया है,
मुंह हाथ धो के कर लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अब मियां उसकी ये उम्र नहीं है गली मोहल्ले में खेलने की। देखो कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हाई साहब, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब मेहरू की शादी कर दूँ। बस दुआ करो कि अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो ये फ़र्ज भी अदा हो जाए। मैंने हमीदा को भी रात कह दिया। अच्छा है कह दिया। इमामदीन, बच्चियाँ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छा है, और ये फ़र्ज़ जितनी जल्दी अदा हो जाए बेहतर है। देखो भाई, कल को अगर कोई उसे बातों में लगा कर ले जाए तो सोचो। अरे मैं तो कह रहा था कि फर्ज करो, अब इतनी भोली भी तो है हमारी महरो, अब सर पे माँ का साया तो है नहीं जो उसे दुनियादारी सिखाए। अरे फिक्र ना करो, मैं ध्यान रखूंगा ना, और अगर कल को कोई रिश्ता नहीं लगता तो मुझे बताना। भाई दोस्त ही दोस्त के काम आता। बाबा आप ताली लगा के चले गए, खुदा ना खौस्ते से कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या जवाब देती। लो कर लो गल, तू उसकी खाला लगती थी जो माँ तुझसे पूछेगी। माँ भी खाला से पूछती कि इसको एक लड़की दी थी, उसने क्या किया इसका हाल, माँ सब देख रही है। देख रहे हैं खालू, ये है इसका तरीका बात करने का। बाबा आप सुन रहे, खाला और इकबाल मुझे और मेहरू को दिन रात कोसते हैं, ताने देते रहते हैं, पर एक बात तो आती है अपनी अम्मी की बात सुन के मुझे रूई की तरह धनक कर रख देते हैं। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती, मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हर काम मैं करती हूँ, लेकिन इनको हमेशा शिकायत रहती है मुझसे। बाबा मैं भी तो इंसान हूँ। मीता खामोश हो जाओ। सुन रहे हो भरा, ये गजबर की जुबान है इसकी, ऐसे ही चलाती है, ये तो बर्दाश्त कर रहा है मेरा पुत्र। मैं तो हूँ सास, मैं तो बुरी हूँ, मगर मुझसे ना अब ये स्यापे नहीं संभाले जाते। रखो इसको अपने कार, क्यों बाले? शमसा बहन, क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम?
बाबा मैं थक गई हूँ इन सब की मार खा खा के, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बस याद करो रुखसती के वक्त मैंने तुम्हें समझाया था कि जिस घर में तुम जा रही हो वहां से तुम्हारा जनाजा निकलेगा, भूल गई हो क्या? बाबा जिन बेटियों की माँ नहीं होती उन बेटियों के बाप उनकी डोली ऐसे निकाल रहे होते हैं जैसे जनाजे निकाल रहे हो, उनका आखिरी घर कब्र ही होता है। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो शमसा बहन, मैरू अभी छोटी है, मीता ने इसका ख्याल रखना होता है, जहाँ इतने साल बर्दाश्त किया बस कुछ वक्त और दे दो, मैं इसका रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया मैं इसकी शादी कर दूंगा, ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो। ठीक है भाई, तुम्हारे कहने पे ना एक मौका और देती हूँ, वो भी इसलिए कि बाले का बच्चा छोटा है, उसके बाद नहीं देखूंगी। चलो ए हमीदा आ रही, हाँ बोल। मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है? तू जा यहाँ से मीनू, तू जा। अगर मेरे जाने से तेरे रोने ठीक हो जाते हैं मैं चली जाती हूँ, मैं थक गई हूँ रोज रोज के रोने से। अच्छा ये लोग एक ही बार मेरा गला दबा के मुझे एक ही बार मारते, आज तुझे फिर बाले ने मारा है, दिखा कहाँ चोट लगी है, मैं टकोर कर देती हूँ। मीनू ये जख्म तो रो पीट के ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो दिल के जख्म है उस पर कौन टकोर करेगा? कितने साल हो गए तेरी शादी को, एक बच्चा भी हो गया, तू जिंदगी से समझौता क्यों नहीं कर लेती? आपा फातिमा भी तो यही कहती हैं। कैसे समझौता कर लूं? ये तो मेरे अपने, अगर गैर होते तो वो पीट के समझौता कर ही लेती, लेकिन मैं तो इनको भी पाल रही हूँ और इनके दिए हुए जख्मों को भी पाल रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख मीनू, तू नहीं समझ सकती, तेरा बाप किसी हाजी का दोस्त नहीं है, तेरी माँ का साया तेरे सर पर है। तेरे बाप के दोस्त ये नहीं कहते कि लड़की 12 साल की हो जाए तो उसका खाना घर पे हराम हो जाता है, और छोटी उम्र की बेटियों को उम्र रसीदा आदमियों से ब्याह नहीं देते। तू नहीं समझ सकती मीनू, बस कर मीदा। पते मेरे खेलने कूदने के दिन थे, जब अल्लाह ने मेरी गोद में बच्चा दे दिया तब भी निभाती रही, समझौता करती रही, करती रही अब तक। अभी भी तेरी उम्र कुछ नहीं हुई मीनू, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा हाजी साहब के कहने पे मेहरू का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है बाबा हाजी साहब की बात मान लेंगे। मेहरू तो बहुत छोटी है मीनू, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बहुत नाजुक सी है, मुझे तो माँ ने सिखाया था समझाया था, उसको तो सिखाने समझाने वाला कोई भी नहीं है, उसकी कौन इसलाह करेगा? तेरी छोटी बहन है, वो ऐसी बातें ना कर। और क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतनी परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो मैं ये थोड़ी सी ले लूं। अभी आप ये थोड़ी सी ले लो, मेरे पास दूसरी वाली नहीं पड़ी है, फिर आप वो साथ ले जाना। अरे वाह, गुड़िया गुड्डे की शादी हो रही है। हाँ
खेल रहे हो तुम लोग? मेरे बाबा ने कहा था कि गुड्डा तुम्हारा और गुड़िया मेरी। अच्छा हुआ मेहरू के बाबा ताला नहीं लगा के गए, वरना हम खेलते कैसे? मेरे बाबा वैसे ताला लगाते नहीं है, पता नहीं क्यों उन्होंने उस दिन लगा दिया था। तुम खुश हो बेटा? जी बहुत। ये क्या? तुझे मैंने सख्ती से मना किया था कि शादी से पहले बच्चियां ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करती, लेकिन तुम हर बात की जिद करती हो, वही करती हो जो उलट होता है। तुम्हारा ये अमल मुझे सख्त नापसंद है। जब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करता बाबा, गलती हो गई, माफ कर दें। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो और बेटियों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा, लेकिन अपने असूलों और इज्जत से ज्यादा नहीं। पापा, अच्छा मैं दोबारा नहीं करूंगी ऐसी गलती। मुझे सब मंजूर है, लेकिन आपका यूं खफा होना मंजूर नहीं है। आखिरी बार माफ कर देना, दोबारा नहीं करूंगी ऐसा। अच्छा बेटा, आइंदा ख्याल रखना। चंदा मामा, बाबा आज मुझे सुलाने ही नहीं आए। मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती, लेकिन आज उनको मेरी फिक्र ही नहीं। मेहरू, मेरा बेटा सोया नहीं अभी तक? बाबा आप नाराज मत हो, मैंने वो क्रीम धो ली थी, मैंने मुंह भी धो लिया था, आप सूंघ के देख लें। मेरा बेटा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ बेटा। तुम्हारे साथ नाराज होके मैं जिंदा रहूंगा क्या? मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, तुमसे नाराज हो सकता हूँ भला? लरी दूं बेटी, चंदा रानी बिटिया मेरी प्यारी सी लाडली मेरी, सो जा तू। दफ्तरी काम से जा रहे हो, घूमने थोड़ी जा रहे हो। अल्लाह के हुक्म से 3-4 दिन में वापस आ जाओगे। हाँ जी, मसला बच्ची का है, एक माह के लिए जा रहे हैं, और इसकी बड़ी बेटी, उसको तो उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे फिक्रमंद है कि इसकी छोटी बेटी कहाँ रहेगी।
यार ये नौकरी तो मेरे पांव की जंजीर बन गई है। अगर सरकारी ना होती ना तो मैं इसे कब का छोड़ चुका होता। अरे अभी उसके बड़े जिंदा हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो मेहरू को मेरे घर छोड़ दो। नहीं नहीं हाजी साहब, वो फातिमा बयान से बात हो गई है और मीता भी इसरार कर रही थी कि मेहरू उसके पास रहेगी। उसने अपनी सास से भी बात कर ली। ठीक है, मेरे घर पे कोई औरत नहीं, मैं गैर शादीशुदा हूँ। अगर अपनी मेहरू की हिफाजत तो कर सकता हूँ, तू कब तक लोगों के आसरे पे रहेगा? बच्ची माशाल्लाह से अब बड़ी हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता देख के ब्याह दे उसे। इमामदीन, यही मसले का हल है कि तुम जल्दी से बेटी की शादी कर दो। हाँ, जैसे कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैं ये फर्ज अदा कर दूंगा। आप मेरे मुखलिस दोस्त हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा इसका ख्याल रखना, मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इसे तुम्हारे पास कभी छोड़ के ना जाता। मैं जानता हूं तुम्हारे ससुराल को, अगर इसे अपने पास ना रख सको तो फातिमा बाजी के घर छोड़ देना। नहीं बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे? खाला वैसे भी शादी में गई हैं और वो जैसे आएंगे ना मैं उनके हवाले कर दूंगी इसे। अच्छा, मैं जानता हूँ बेटा, मेरू और तुम्हें तंगी तो होगी। भाई तुम्हारा भाई होता तो ये मुश्किल भी ना होते। पापा, आप भी अम्मा की तरह छोड़कर जा रहे हैं ना? जैसे वो वापस नहीं आए आप भी नहीं आएंगे ना? बेटा क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें साथ लेके जाता लेकिन नई जगह है, पता नहीं क्या हिसाब किताब होगा। मैं तुम्हें किसके भरोसे पे छोड़ के ड्यूटी पे जाया करूंगा? बाबा कुछ नहीं होता, आप खैर से जाएं, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। बाबा मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आपको पता है मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। मेरी बच्ची, अल्लाह के हवाले करे बेटा, अल्लाह ने के बान है तुम दोनों का। खुदा हाफिज़ बाबा। साहब साहब, रात गई बात गई, ये तवायफें दिन में किसी की नहीं होती। मैक भी चली गई है, आपके भी घर जाने का हो गया वक्त। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी जा, दबाओ। रात गई बात गई मैक। ओ मैक, तू किसकी इजाजत से टांग के ले आई अपनी बहन को फिर इधर? तेरे बाप ने नोटों का टंग भर के दिया हमें। मजबूरी ना होती तो मैं कभी ना लाती। मजबूरी ना होती तो मजबूरी देखो इनकी, खुद तो चला गया है सैर सपाटा करने और ये मुसीबत हमारे सर पे छोड़ गया। बात मेरी ना कान खोल के सुन ले, अगर तेरी बहन इधर रहेगी ना तो मैंने तेरे को तलाक दे देनी है। खाला, खाला आप भी तो एक औरत है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेहरू को रहने दे, किसी भी घर के कोने में रह लेगी, बेचारी छोटी बच्ची है। तेरे बाप को पता था कि बाले को नहीं पसंद, फिर छोड़ के चला गया हमारे सर पे। पापा का लगाव में नहीं थी, मुझे लगा आप इजाजत दे देंगे इसलिए अपा ने छोड़ दिया। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़े दिन के लिए रहने दे। खाला आपकी भी तो मांझी है ना मेहरू। मैं ना उसको फातिमा के पास ही भेजूंगी दूसरे गांव। जब तक तेरा बाप नहीं आता ना ये वहां रहेगी, यहाँ नहीं रह सकती, बता दिया मैंने। खाला वो तो अनजान गांव में रहती है, हम तो कभी नहीं गए।
अब्बा मियां को क्या जवाब दूंगी खाला, वो तो वहां कभी नहीं रही। वहां तो अब रह लेगी ना, इसमें कौन सा मसला है? खुदा के लिए ऐसे जुल्म ना करें, आप दोनों रहने दे उसे खाला। चल फिर तू उठ यहाँ से और अपनी उस मासूम का हाथ पकड़ और छुट्टी कर यहाँ से। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँ। तो पहले कर लेती ना, मार खाने के बाद क्यों याद आता है तुझे? अम्मा मेरा यार जा रहा है ना माजू हट्टी का सामान लेने के लिए, उसके हाथ पैगाम भिजवाता हूँ मैं नवाज खालू को कि आके उस मुसीबत मैरू को लेके जाए यहाँ से। को जा ले आइए उठा के, पहले तू कम मुसीबत थी जो उसको भी ठा लाई है। दफोग है बाप कहीं पर। Thank you.